शनिवार को इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाणगंगा कुंड के पास नए अस्पताल की नींव रखी। इस क्षेत्र में अस्पताल बनाने के लिए पहले ही स्वीकृति मिल गई थी, जिसका कल भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने कर दिया। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। जयामि पूजयामि धनार्थे आसनार्थे च अक्षदान समर्पयामि। जोरदार तालियों के साथ में इस शिलालेख का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आपके लिए एक बहुत बड़ी सौगात का दिन है, इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए, इंदौर शहर के लिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सरकार गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय और जरूरतमंदों की सरकार है। जनता की सेवा करने के लिए आया हूं और हमेशा जनता की सेवा करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि यहां 30 बेड की डिस्पेंसरी बनेगी, जिसके बाद जल्द ही 100 बेड का अस्पताल बना दिया जाएगा। अब मुझे लगा कि 6 बिस्तर के अस्पताल से काम नहीं चलेगा। यहां लाख से ऊपर की पॉपुलेशन आसपास रहती है और मेरे गरीब बहनों और भाइयों की पॉपुलेशन, जनसंख्या रहती है। और देखो भैया, अपन तो साफ कहते हैं कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है। उनके लिए शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले है, मेरे बहन और भाइयों। और इसलिए ये 6 बिस्तर का अस्पताल नहीं रहेगा, अब इसको बढ़ा के 30 बिस्तर में पहले परिवर्तित करेंगे। और 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो आगे 100 बिस्तर का भी कर देंगे। आप चिंता काय को करते हो जनता। उन्होंने कहा, सरकार देश की 72% आबादी को 1 रुपया किलो गेहूं और चावल मुहैया करवा रही है। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ गरीब की पढ़ाई लिखाई और दवाई की चिंता भी सरकार कर रही है और कई योजनाएं भी चल रही हैं, जिसका लाभ जनता ले सकती है। धरती पर जितने मेरे गरीब भाई और बहन हैं, किसी जाति के हो, किसी समाज के हो, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, कोई किसी जाति समाज के हो, 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक देंगे। आपको पता है मध्य प्रदेश में कितने लोग अब 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक ले रहे हैं? 72% आबादी को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक खिलवाने का काम कर रहा है, मेरे बहन और भाइयों। भूमि पूजन कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक सुदर्शन गुप्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने इंदौर में विकास की बात कही। मुख्यमंत्री जी से फिर से जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो परिसर है, इसके आसपास लगभग 1 लाख की पॉपुलेशन है और सब अवैध कॉलोनियां हैं और बहुत गरीब लोग रहते हैं। ये आपने प्रदोष के दिन इतना पुण्य का काम मिला है कि आपने अभी तीसरी बार सरकार बनाई है, 5 बार आप कम से कम सरकार और बनाएंगे, इतना पुण्य मिलेगा यहाँ पर। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम हर वर्ष विधायक आपके द्वार के माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं और आपके द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजना लागू की जाती है, वो हम उसकी जानकारी हमारे पार्षद, हमारी टीम के माध्यम से हम जनता को देते हैं। कार्यक्रम के बाद जब सीएम भोपाल रवाना हो रहे थे तो सैकड़ों लोगों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद सभी ने करीब दर्जन भर से अधिक शिकायतों का ज्ञापन सौंपा। सभी ज्ञापन लेने के बाद सीएम वहां से रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज, इंदौर।